हेलो गाइज, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई वीडियो सीरीज फॉर सेशन 2021-22 के लिए। हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो सीरीज, जिसमें हम इकोनॉमिक्स क्लास 11 तो ऑलरेडी चल रहा है, क्लास 12th का आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे ट्यूडे वेडनेडे 12 बजे जो है आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। सिक्वेंस से आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल हर बात समझ में आएगी। तो ठीक, शुरुआत करते हैं। तो आज के इस पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक कॉन्सेप्ट, हम बोले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे। आने वाले 3 से 4 वीडियो में हम जो है नेशनल इनकम लगभग हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। शुरुआत हम इस बात की करते हैं, आज हम पढ़ेंगे स्टॉक और फ्लो क्या है, सर्कुलर फ्लो क्या है, सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड बाकी की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि स्टॉक एंड फ्लो, क्योंकि अभी तक आप काफ़ी पढ़ चुके होंगे इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक इट मीन्स वो वेरिएबल्स जिनको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर काउंट करते हैं, और फ्लो वेरिएबल इट मीन्स जिनको हम पीरियड ऑफ टाइम में काउंट करते हैं। जैसे कि इनकम, इनकम क्या है, इनकम एक फ्लो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हम इसे पीरियड में काउंट करते हैं। जैसे कि एक महीने की सैलरी मेरी है ना, 2 महीने की सैलरी, या एक महीने का प्रॉफिट, 2 महीने का प्रॉफिट, साल भर का प्रॉफिट, तो एक पीरियड में हम काउंट कर रहे हैं। तो इनकम क्या है, इनकम एक एग्जाम्पल है फ्लो का। स्टॉक की यदि हम बात करते हैं, तो स्टॉक की यदि हम बात करते हैं तो वो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट करते हैं, जैसे कि वेल्थ, आज मेरे पास कितनी संपत्ति है, आज मेरे पास जो है 50 लाख रुपए की संपत्ति है, फिर से है नहीं। तो ऐसे सारे जो चीजें हैं जिनको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल। ठीक, तो फ्लो और स्टॉक वेरिएबल में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि फ्लो इट मीन्स दोस वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड इन ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, वीडियो कैमरे की तरह पीरियड में चलता है। और स्टॉक वेरिएबल इट मीन्स दोस वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड इन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, वीडियो मतलब अपना फोटो कैमरे की तरह क्लिक पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करता है। ठीक है, तो स्टॉक और फ्लो क्या है, ये आई होप कि ये आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक, अदरवाइज मैंने इसके अलग से वीडियो बनाया, वो देख लें आप। आगे बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की यदि हम बात करें, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम बात करें तो देखिए, हम इकोनॉमी में मेनली देखिए, ये जो बेस, ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी में मेनली जो है 2 सेक्टर होते हैं, एक तो वो जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक, यानी कि हम लोग, तो चीज़ें कंज्यूम करने वाले है ना, कंज्यूमर, और दूसरे होते हैं कौन, प्रोड्यूसर्स। अब आप ये प्रोड्यूसर्स बोल दो या फॉर्म्स बोल दो, बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई वादा नहीं। ठीक, अब एक होते हैं कंज्यूमर, दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर्स, या दूसरे होते हैं फॉर्म्स। अब आप देखें, यदि हम इसकी बात करें, यदि हम ये रियल फ्लो की बात करें, यानी कि हम बार्टर सिस्टम में बात करें, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इन्हें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम इन्हें क्या देते हैं, हम इन्हें जो है हम लेबर सर्विसेज जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। भाई ये कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर काम करने कौन जा रहा है, काम करने कौन जा रहा है, हम ही लोग तो जा रहे हैं, एटलीस्ट आम पब्लिक ही तो जा रही है ना, मजदूर कहाँ से मिल रहे हैं इनको, हमसे मिल रहे हैं। तो यानी कि हम इन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं लेबर। ठीक, फिर इन्हें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा लेबर के अलावा ये रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से ला रहे हैं, वो भी हमारे पास से ही ले जा रहे हैं, लेबर है, रॉ मटेरियल है, कैपिटल कहाँ से ला रहे हैं, भाई हम जो पैसा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पूंजी इकट्ठा करते हैं, वही बैंक में जाता है और बैंक से लोग लोन लेते हैं, तो कैपिटल जो है इनके पास कहाँ से आ रहा है, वो भी कैपिटल हमसे ही आ रहा है, तो इनको कैपिटल हमसे मिलता है। इसके अलावा जो बिजनेस करने वाला जो है, जो मैनेजमेंट वगैरह कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप उनको कहाँ से मिल रही है, वो भी हमसे ही मिल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ है, ठीक है, ENT लिखा मैंने, पर एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से मिल रही है, हमसे ही मिल रही है। तो हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं क्या, हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेस, फैक्टर सर्विसेस। ठीक,
और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं गुड्स और सर्विसेज, ये हमें प्रोवाइड करते हैं गुड्स और सर्विसेज, ठीक। हम इन्हें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके बदले में हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और एक सर्कुलेशन चलता रहता है, जितना ज़्यादा हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा ही प्रोडक्शन होगा और उतने ज़्यादा ही हमें कंजम्पशन करने के लिए चीज़ें मिलेगी। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, यदि हम लोग काम ना करें, हम लोग फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड ना करें तो ये प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो इकोनॉमी जो है स्लो चलेगी। तो इकोनॉमी जितनी हमें जितना ज़्यादा ग्रोथ करना है, जितना हमें आगे बढ़ना है, तो उतना ही सर्कुलेशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम चीज़ें ना देंगे तो वो बनाएंगे कैसे, बनाएंगे नहीं तो हमारे पास आएगी कैसे, ठीक। ये बात हो गई। अब इसको हम बोल सकते हैं रियल फ्लो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर फ्लो तो है ही सही, लेकिन सर्कुलर फ्लो के दो टाइप होते हैं, सर्कुलर फ्लो के दो टाइप होते हैं। वो दो टाइप कौन से हैं, एक टाइप हो गया आपका रियल फ्लो और दूसरा टाइप हो गया आपका मनी फ्लो। रियल फ्लो और दूसरा क्या हो गया, मनी फ्लो। तो ये हो गया आपका रियल फ्लो, ठीक है। अब इसी बात को यदि मैं कन्वर्ट कर दूं, इसी बात को यदि मैं मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, मनी फ्लो बन जाएगा। इसी बात को हम कन्वर्ट करते हैं, देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो हम इन्हें लेबर दे रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, है ना, और मशीनरी भी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मेन मशीन मनी मटेरियल, जितने भी फैक्ट्रा प्रोडक्शन होते हैं, 5M, मेन मशीन मनी मटेरियल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले में ये हमें क्या देंगे, इसके बदले में देखो हम इन्हें लेबर देंगे तो लेबर के बदले में ये हमें क्या देंगे, वेजेस देंगे या सैलरीज देंगे, राइट है, है ना। हम इन्हें कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैपिटल के बदले में हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, ये हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने इन्हें कोई मान लीजिए कोई प्लांट वगैरह प्रोवाइड किया है, कोई जगह वगैरह प्रोवाइड की है ना, मैं रॉ मटेरियल की जगह प्लांट लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो रॉ मटेरियल थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है। वैसे प्लांट हमने प्रोवाइड किया तो ये हमें क्या देंगे, ये हमें रेंट देंगे। हमने इन्हें कोई कोई कॉपीराइटेड वाली चीज़ दी तो रेंट हो सकता है, इसके अलावा रॉयल्टी हो सकती है, रॉयल्टी हो सकती है। इसके अलावा जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज दे रहा है, जो मैनेजमेंट देख रहा है, वो क्या कमाएगा, वो प्रॉफिट कमाएगा ना, तो वो भी है। देखे जो यहाँ इंडस्ट्री चला रहा है वो भी है कहाँ से, वो भी है तो आम व्यक्ति ही ना, आम पब्लिक ही, तो वो क्या कमाएगा, वो कमाएगा प्रॉफिट, ठीक। ये टी लिखा हुआ है, सही लिख देता हूँ यार, प्रॉफिट, ठीक आप समझ लेना, प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो यानी कि हमने जो इन्हें फैक्ट्री सर्विसेज दी उसके बदले में इन्होंने हमें क्या क्या किया, इसके बदले में इन्होंने हमको फैक्ट्री पेमेंट प्रोवाइड किया, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड किया, इनके लिए फैक्टर पेमेंट और हमारे लिए यही बात क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम। तो मैं अब इसको यदि हटा देता हूँ, इसको यदि हटा देता हूँ तो कोई गलत चीज़ है क्या, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। इसी बात को मैंने कन्वर्ट किया मनी के फॉर्म में, राइट है ना। तो ये हमने क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट, या हम हमारे लिए बोले तो फैक्टर इनकम हमको यहाँ से मिल रही है। अब ये फैक्ट्री इनकम मिल रही है, इसके बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज जो इनसे खरीद रहे थे, तो गुड्स और सर्विसेज हम इनसे खरीद रहे थे, इसमें हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे थे, हम एक्सपेंडिचर कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एक्सपेंडिचर कर रहे थे, हम इन्हें पेमेंट कर रहे थे, ये हमें गुड्स और सर्विस दे रहे थे, उसके बदले में हम इन्हें पैसे दे रहे हैं, ठीक। तो यही फ्लो जो पहले रियल फ्लो था, अब क्या बन गया, अब बन गया आपका मनी फ्लो, ठीक। ये भी सर्कुलर फ्लो ही है, मनी फ्लो। तो ये हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम इन्हें एक्सपेंडिचर करके देते हैं पैसे, और ये उससे क्या करते हैं, ये उससे हमें फैक्ट्री पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, हम इन्हें फिर एक्सपेंडिचर करके देते हैं, वो हमें फैक्ट्री पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमें फैक्टर इनकम जो है वो क्या होती है, फैक्टर इनकम हमें जनरेट होती है, फैक्टर इनकम हमें जनरेट होती है, फैक्टर इनकम जनरेट होकर के इनके पास जाती है, इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक। हम ये हमें फैक्ट्री इनकम देंगे, हम खर्चा करके इनको देंगे, ये हमें फैक्ट्री इनकम देंगे, हम खर्चा करके इनको देंगे। तो देखिए इकोनॉमी में दोनों चीज़ें होना जरूरी है, दोनों चीज़ें होना जरूरी, इट मीन्स ये कि इकोनॉमी में खर्चा होना भी जरूरी है और कमाई होना भी जरूरी है। हम ये सोचें कि हम यदि खर्चा ना ही करें, ना ही करें, ना ही करें, तो इकोनॉमी भी ना ही चलेगी।
इकोनॉमी यदि हमको चलाना है, इकोनॉमी इकोनॉमिकली यदि किसी कंट्री को ग्रो करना है, किसी स्टेट को ग्रो करना है, तो दोनों चीज़ें करना होगी। ठीक, लोगों खर्च करेंगे तभी वो किसी की कमाई बनेगी, क्योंकि तो मेरा खर्च तेरी कमाई है, ठीक, या आपका खर्च मेरी कमाई है, तो किसी का खर्चा किसी की कमाई बन जाती है। ठीक, तो इस तरीके से एक सर्कुलेशन इकोनॉमी में चलता रहता है। ठीक, अब हम बात करते हैं फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो। फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फेज है जहां पर प्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं इनकम जनरेशन फेज। ये जो पैसे बढ़ रहे हैं, देखिए कोई भी चीज बनी, तो मान लीजिए ये मार्केट बना 30 रुपए का, तो किसी को इसमें रेंट मिला होगा, किसी को रॉयल्टी मिली होगी, किसी को इंटरेस्ट मिला होगा, किसी को प्रॉफिट मिला होगा। इट मीन्स ये जो प्रोडक्शन होने से जो इनकम जनरेट हो रही है, वो इनकम क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेस। और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, वापस यहाँ पर वापस वो जो है डिस्पोज हो रहा है, डिस्पोजिशन फेस बोल सकते हैं, या एक्सपेंडिचर फेस आप बोल सकते हैं, ठीक, कंजप्शन फेस भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ कंजप्शन हो रहा है, यहाँ जो है प्रोडक्शन हो रहा है, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है। तो ये तीन फेज हो गए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, देखे पहला मॉडल हो गया आपका टू सेक्टर इकोनॉमी। इट मीन जहां हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर है, इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर है। पहला सेक्टर तो हो गया आपका कौन, कंज्यूमर, दूसरा सेक्टर हो गया प्रोड्यूसर, है ना। तो एक तो ये हो गई। अब दूसरा हो सकता है कि सिंपल इकोनॉमी या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी विथ बैंकिंग सेक्टर। अब विथ बैंकिंग सेक्टर मतलब क्या हुआ, विथ बैंकिंग सेक्टर मतलब ये हुआ कि देखो बैंकिंग, बैंक अपना यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है, बैंक यहां बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। देखिए हमारे पास इनकम आई, मान लीजिए हमारे पास इनकम आई 1000 रुपए की, मान लो 1000 करोड़ की इनकम आई, ऐसा बोल दो। तो इसमें से मान लो कि हमने खर्च 800 करोड़ ही किया और 200 करोड़ हमने जो है हमारे पास सेविंग करके रख लिया। अब ये जो सेविंग करके हम रखते हैं, इस सेविंग करके रखने को ही हम बोलते हैं लीकेज, लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। इसको हम क्या बोलेंगे, लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। तो सेविंग किसका एग्जांपल है, सेविंग एग्जांपल है लीकेज का। किसका एग्जांपल है, लीकेज का। तो हमने लीकेज कर दिया। अब यदि ऐसे लीकेज करते जाएंगे तो जैसे अब 800 रुपये खर्च करेंगे, 800 इनके पास आएंगे, तो फिर वापस 800, मतलब ऐसे तो इकोनॉमी जो है डाउन जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात यहाँ पर आती है। इट मीन्स ये कि हम जो है पैसा जो है अधिकतर लोगों को बैंक से जोड़े, और पैसा जो है कहाँ पर लोगों ने अपनी सेविंग अपने पास ही रखते हुए, अपनी तिजोरी में नहीं रखते हुए, वो बैंक में रख दे। तो यदि लोगों यहाँ पैसे जमा करा देंगे, सेविंग्स अपनी यहाँ पर जमा करा देंगे, सेविंग्स अपनी यहाँ जमा करा देंगे, तो क्या होगा कि बैंक जो है इन्हें क्या कर सकती है, बैंक इन्हें लोन दे सकती है ना। तो प्रोड्यूसर्स लोग जो है इनसे लोन ले सकते हैं। तो वो जो सेविंग थी वो किस में बदल जाएगी, वो सेविंग जो थी वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगी। ठीक, ये जो सेविंग थी वो किस में बदल गई, इन्वेस्टमेंट में बदल गई। ठीक, तो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर का रोल क्या है, बैंकिंग सेक्टर का रोल है सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का। ठीक, तो और वैसे मैंने आपको एक और चीज बताई कि सेविंग क्या है, लीकेज है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन मीन्स वापस सर्कुलेशन में आ जाना। भाई आप मान लीजिए गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, तो गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया और वो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट हो गया तो सर्कुलेशन में जुड़ गया। तो यदि सर्कुलेशन में जुड़ रहा है तो इंजेक्शन, और सर्कुलेशन से बाहर जा रहा है तो क्या कहलेंगे, तो बोलेंगे उसको लीकेज। ठीक, दो चीजें और इसमें शामिल हम लोगों ने कर ली। अब आगे हम बात करते हैं कि भाई फैक्टर इनकम किसको बोलेंगे। देखो ये जो जितनी इनकम है सब फैक्टर इनकम है, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले मिलती है। ये सारे इनकम जो 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 भी हमें कमाना पड़ती है, तो अर्न इनकम को फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलती है, इसलिए इनका नाम फैक्टर इनकम है। अब हम बात करते हैं मॉडल्स आर सर्कुलर फ्लो के। सर्कुलर फ्लो के कौन कौन से मॉडल्स है, तो उसमें एक चीज तो हो गई आपका टू सेक्टर मॉडल, यानी कि जो है आप प्रोड्यूसर से फैक्टर इनकम मिल रही है आपको, यानी कि पब्लिक को, और पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक जो है वो एक्सपेंसेस कर रही है, पब्लिक जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही है। तो ये बात तो हो गई, एक मॉडल हो गया,
है ना। इसमें दूसरी बात हो गई अपना कि बैंकिंग सेक्टर, विद बैंकिंग सेक्टर वाली बात हो गई। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी इट मीन्स यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है वो थ्री सेक्टर, थर्ड सेक्टर का रोल प्ले कर रही है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट ये रोल प्ले कर रही है कि गवर्नमेंट जो है, एक तो गवर्नमेंट हमें ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड करती है। अब ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हुआ जैसे कि सब्सिडी है ना, जो हमें बिना कमाए मिल जाए वो वाली इनकम को हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हमसे क्या कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है। इसी टाइप से प्रोड्यूसर्स के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए को भी जो है ट्रांसफर पेमेंट देते हैं, यानी कि इनको भी सब्सिडी वगैरह देते हैं। और इसके अलावा इनसे क्या कलेक्ट कर रही है, इसके अलावा इनसे भी जो है टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो ये जो है तीसरा सेक्टर है जो कि क्या रोल प्ले कर रहा है, जो कि सर्कुलर फ्लो में एक कहें कि एक ऐसा सेक्टर रोल प्ले कर रहा है जो सर्कुलेशन सर्कुलेशन में अपना जो है एक इम्पोर्टेंस प्ले कर सकता है ना। जैसे कि देखिए सर्कुलेशन तो चल रहा था, अभी सर्कुलेशन में गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रोल कर सके या गवर्नमेंट उसमें कुछ बेटरमेंट कर सके, उसके लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है इनसे टैक्स वसूल कर रही है। और टैक्स वसूल करके उन्हें लगता है कि एक वीकर सेक्शन है या फिर डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, तो वो वहां पर जो है खर्च कर रही है। वहां पर जो खर्च कर रही है उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, अब खर्च कर रही है तो वापस वो प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएगा। प्रोड्यूसर कैसे कैसे पहुंच जाएगा, जैसे देखो आप गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोई रोड बनवाई है ना, या गवर्नमेंट और कोई दूसरा को डेवलपमेंट का खर्च कर रही है, तो डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है तो वापस किसके पास पहुंचेगा, वो प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएगा तो वापस वो सर्कुलेशन में आ जाएगा है ना, वापस इनके सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक, तो ये था मॉडल कौन सा, थ्री सेक्टर इकोनॉमी है ना, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब मैं फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की भी बात कर देता हूं, बात ही खत्म कर देते हैं अपन। ये लास्ट है, लास्ट है आपका, इसको आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आप सीधे इसको ऐसा बोले फॉरेन सेक्टर, क्या बोल देंगे, फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर में क्या होना है, फॉरेन सेक्टर में दो चीजें होना है। अब फॉरेन सेक्टर में दो चीजें क्या होना है, देखिए हमें फॉरेन सेक्टर से क्या मिल सकती है, हमें फॉरेन सेक्टर से फैक्टर इनकम भी मिल सकती है, और हमें फॉरेन सेक्टर से ट्रांसफर इनकम भी मिल सकती है। अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, ये आप जानते हैं, फैक्टर इनकम कमाई हुई इनकम, ट्रांसफर इनकम जो हमें ऐसे ही मिल जाए। और इधर हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स को फॉरेन सेक्टर जो है, फॉरेन सेक्टर प्रोड्यूसर्स को क्या कर, जो है फॉरेन सेक्टर को प्रोड्यूसर्स क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है ना, एक्सपोर्ट करेगा, या फिर इनसे क्या कर सकता है, या फिर इनसे इंपोर्ट कर सकता है। ठीक ठीक है, तो फॉरेन सेक्टर भी जो है एक रोल प्ले कर रहा है। जैसे आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके पास क्या आएगी, उतना ज्यादा आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी आ रही मतलब वो सर्कुलेशन जोड़ रही है, इट मीन्स वो भी आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। ठीक, यदि आप ज्यादा इंपोर्ट करें तो पैसे जा रहे हैं आपके, तो वो भी आपकी इकोनॉमी को जो है इफेक्ट कर रहा है, एडवर्सली इफेक्ट करेगा। एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो वो जो है वो फेवरेबली आपको अफेक्ट करेगा। खैर ये सब चीजों को हमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, हमें जो इस साल जो हमें पढ़ना है खाली मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, अदरवाइज हमें जो फोकस करना है या हमें जो जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें फोकस करना है सिर्फ किस पर, टू सेक्टर इकोनॉमी। और टू सेक्टर इकोनॉमी इट मीन्स जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो दो जो है मेन प्लेयर हैं, ठीक है, या दो मेन सेक्टर है जिनके बीच में सर्कुलेशन चल रहा है, खर्चे और इनकम का, खर्चे और इनकम का। ठीक, आई होप कि आपको सर्कुलर फ्लो वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है बाकी की चीजें पढ़ेंगे, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग कंटिन्यू साथ में बने रहें, चीजें आपको समझ में आएगी, फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, बिल्कुल।